Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you. Please tell me if I'm audible or not. जितने भी लोग हमारे साथ लाइव आ चुके हो एक बार कंफर्म करो कि इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल और नॉट. क्या मेरी आवाज आप सारे लोगों तक पहुंच रही है? एक बार यस या नो में कंफर्म करिए जरा जल्दी जल्दी. और साथ में एक और काम भी करना है, सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ, जितने भी क्लास के ग्रुप्स में आप एज अ मेंबर एडेड हो, डू शेयर इट इन योर ग्रुप्स. फटाफट अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करिए, जल्दी जल्दी शेयर करें, बी क्विक. सारे लोगों ने लाइक एंड शेयर कर दिया, यस और नो? चलो, तो हमारा टेंस का फर्स्ट क्लास हो चुका है पिछले क्लास में, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. हम लोगों ने बेसिक कुछ पोर्शंस पढ़ लिए थे, जिसमें से एक पॉइंट था हमारा हैबिट और दूसरा पॉइंट था कंडीशनल सेंटेंस, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो किसी का अगर प्रीवियस क्लास मिस हुआ है तो जरूर से वो लोग रिप्ले में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यस और नो? कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा है वो एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? चलो, सो करते हैं आज के क्लास को इनिशिएट. जो बचे कुछ टॉपिक्स है उनको अपने लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सारे के सारे लोग, जितने भी लोग लाइव आ चुके हो, प्लीज शेयर योर सेशन एंड डू लाइक इट. फटाफट सेशन को अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करिए और जल्दी जल्दी लाइक भी करिए. यस और नो? फटाफट सेशन को लाइक कर दो. जितने भी लोगों का अभी तक लाइक नहीं हुआ है, बी क्विक, जल्दी जल्दी लाइक करिए सेशन को. चलो, तो शुरू किया जाए, क्लास शुरू किया जाए. यस और नो? ओके, सो हियर वी गो. आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सिंपल पास्ट. तो जरा सिंपल पास्ट के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको, सिंपल प्रेजेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या आप लोग उसको सम अप करोगे कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया? एक बार फटाफट सम अप करो. जल्दी जल्दी जरा सम अप करके बताइए कि इसमें पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है. कौन बताएगा? यहां पे हम लोगों ने बोला हैबिट है, फिर हमने बोला डबल फ्यूचर है, फिर हमने बोला टाइम टेबल फ्यूचर एक्शन, टाइम टेबल बेस्ड फ्यूचर एक्शन, एंड द लास्ट वन जो आप लोगों को सिखाया था वो था कंडीशनल सेंटेंसेस. सो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट का जब जिक्र किया, वी हैव कंप्लीटेड हैबिट, वी हैव कंप्लीटेड कंडीशनल सेंटेंस. यस और नो? दिस टू थिंग्स वर डिटेल इन डिटेल डिस्कस एंड दिस टू थिंग्स वर लेफ्ट. तो ये डबल फ्यूचर क्या है वो थोड़ा सा बता के फिर हम लोग इस वाले पॉइंट में आएंगे, है ना? तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या डबल फ्यूचर? मतलब मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ, आप लोग देखो, देख के फॉलो अप करो कि सेंटेंस में अगर हमारा दो वर्ब है, एक है वर्ब ए एंड दूसरा है वर्ब बी, है ना? अगर सेंटेंस में हमारे पास कितने वर्ब्स है डियर? दो वर्ब्स है, एक का नाम है वर्ब ए एंड द अदर वन इज वर्ब बी, राइट? ओके, सो व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर इज, कुछ भी हो जाए ये दोनों के दोनों वर्ब कभी भी फ्यूचर टेंस में यूज नहीं होंगे, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, दीज टू वर्ब्स विल नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, राइट? तो अपने लोग क्या बोलेंगे बेटा? यहां पे हमको देखना है कि फॉर्मर एक्शन कौन है, फॉर्मर एक्शन कौन है हमारा. जो भी अपना फॉर्मर एक्शन होगा
वो हमेशा कौन से टेंस में एक्सप्रेस होगा बताओ? जो भी हमारा फॉर्मर एक्शन होगा इट विल गेट कन्वर्टेड टू सिंपल प्रेजेंट, एंड जो अपना लैटर एक्शन होगा, जो घटना बाद में घटित होने वाली होगी, उसको अपने लोग लिखेंगे फ्यूचर का, फ्यूचर में ही. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? तो एक छोटा सा सेंटेंस देख ले तो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा. मैंने बोला व्हेन आई विल गो टू दिल्ली कॉमा आई विल कम टू योर हाउस. तो हमने क्या देखा बताओ? कि जब हम दिल्ली में रहने जाएंगे हम आपके घर जरूर आएंगे. दिस इज द लाइन दैट आई से. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने फ्यूचर दिख रहे हैं आपको बताओ, जरा जल्दी जल्दी बताओ. आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने फ्यूचर टेंस दिख रहे हैं? हाउ मेनी फ्यूचर टेंस कैन यू पीपल सी? टेल मी बेटा. वी कैन फाइंड टू फ्यूचर टेंस, विल गो एंड विल कम. नाउ आइडेंटिफाई एंड टेल मी आउट ऑफ दिस टू फ्यूचर टेंस विच ऑफ द एक्शन विल ऑकर बिफोर. दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित होगी? पहले बेटा अपने लोग दिल्ली जाएंगे फिर आपके घर आएंगे ना. आप में से कितने लोग हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हो दिल्ली से? अब बताओ, आप में से किसी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं कैसे बोल रही हूँ कि इसके बाद कभी अगर दिल्ली जाना हुआ तो मैं आपको जरूर कॉन्टेक्ट करूंगी, आपसे जरूर मिलने आऊंगी. तो इन दैट सिचुएशन ये विल को हम लोग काट देंगे. तो क्या ये डबल फ्यूचर का इंपॉर्टेंट रूल आपको समझ में आया? एक बार यस या नो में जरूर से आप सारे लोग कमेंट करके मुझे बताइए तो हम आज के टॉपिक को इनिशिएट करें. एक बार फटाफट यस या नो में आप लोग कंफर्म करके मुझे बताओ और सेशन को फटाफट शेयर करो, अपने दोस्तों को बुलाओ जल्दी जल्दी. बी क्विक, फटाफट. चलो, सबको समझ में आ गया ना? फाइन. नाउ आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. चलो, फॉर टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर. मैंने इसीलिए इस वाले पार्ट को अभी छोड़ के रखा था क्योंकि इस टॉपिक के साथ अपने लोग पढ़ेंगे. ऐसा कोई भी काम, देखो एनी फ्यूचर एक्शन राइट, कोई भी फ्यूचर में होने वाली घटना, एनी फ्यूचर एक्शन. ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि कौन से टेंस में यूज करते हैं बताओ. अच्छा खुशी जी, एक और एग्जांपल दे दिया जाएगा, सो डू नॉट वरी. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द टॉपिक दैट आई हैव स्टार्टेड. एक जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसको कंप्लीट कर लिए, फिर हम आ जाएंगे पुराने वाले रूल में, राइट? तो कोई भी फ्यूचर की घटना हमेशा फ्यूचर में ही होती है. बचपन से हम लोग सीखते हुए आए हैं कि अगर कोई काम फ्यूचर में हुआ तो हम लोग उसमें कौन सी वाली टेंस यूज करेंगे? डियर, फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. तो चलिए, जरा एक ब्लैंक पेपर हमने ले लिया और उसमें लिखा ऐसे, एनी फ्यूचर एक्शन, कोई भी फ्यूचर एक्शन, और इस तरीके से क्लासिफाई किया कौन से टेंस में होगा? फ्यूचर टेंस में होगा, है ना? एनी फ्यूचर एक्शन कौन से टेंस में होगा डियर? फ्यूचर टेंस में होगा. कब भाई, कब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी फ्यूचर एक्शन फ्यूचर टेंस में होगा? ऐसा अपने लोग कब इतने हक से बोल सकते हैं? व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द एक्शन, है ना? व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एक्शन, वी विल डेफिनेटली से दैट अगर एक्शन फ्यूचर का है तो वो फ्यूचर टेंस में ही होगा. लेकिन हम लोग इस बात से
नहीं पीछे हट सकते कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं भी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती हैं, है ना? फ्यूचर में अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है तो उसको अपने लोग सॉरी सॉरी पूरा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक बार लिख लेंगे कि हम लोग फ्यूचर के एक्शंस को, राइट, हम लोग फ्यूचर के एक्शंस को फ्यूचर टेंस में ही लिखेंगे. कब बताओ? व्हेन टू राइट एक्शंस ऑफ फ्यूचर इन फ्यूचर टेंस? व्हेन द नेचर ऑफ action is not mentioned, right? When the nature of action is not mentioned. फिर उसके बाद future tense के बाद अपने लोग बोल रहे हैं क्या? We are using it in simple present tense. When, dear? When the action is based on timetable. When the action is based on timetable, है ना? Please pardon my handwriting, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, right? तो please bear with it. And the next one, देखो last का जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, present continuous tense में भी हो सकता है. इसका सारे लोग एक screenshot ले लेना, राइट? यू नेवर नो, फिर से अगर डिलीट हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? नहीं देवाशीष सर, अगर टाइम टेबल बेस्ड है, चलो एकदम सिंपल जाते हैं. अगर मैं खुशी से पूछूं कि खुशी आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो, या देवाशीष से पूछूं कि बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? खुशी या देवाशीष, व्हेन डू यू पीपल सेलिब्रेट योर बर्थडे? आप आंसर में बोलोगे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे या आई will celebrate my birthday. Of course, we will not add will. तो बताइए, हर साल जब एक time पे हम लोग अपना birthday celebrate करते हैं तो वो तो timetable related है, इसीलिए उसमें हम लोग simple present tense का use करते हैं. Is it clear? Next, अब present continuous tense को कब अपने लोग use करेंगे? See here. When the action is pre-planned to be executed in the near future, right? When the action is pre-planned to be executed in the near future. Is this part clear? अब थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो गया, तो मैंने एक बार में इस पूरे नोट को बता दिया. आप सारे लोग प्लीज एक स्क्रीनशॉट रख लो. इसको हमने एज अ नोट सारे चीजों को एक साथ सम अप कर दिया, ठीक है? चलिए अब हम लोग रिटर्न जाते हैं अपने स्लाइड में. सो दिस वाज द पर्टिकुलर रूल. अब मैं वापस आ सकती हूँ स्क्रीन में, क्योंकि हमारा जो राइटिंग वाला पार्ट था वो कवर हो गया, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि फॉर एनी टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर, तो प्री प्लान्ड एक्टिविटी. दूसरा, वन टाइम एक्टिविटी, राइट? एक बार होगा, बार बार जहां रिपीट होने लगा भाई वो सिंपल में चला जाएगा, राइट? सो वन टाइम एक्टिविटी और प्री प्लान्ड एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है किसी भी फ्यूचर एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होने के लिए. तो बताइए प्लीज, क्या ये पॉइंट क्लियर रहा सबका? यस या नो में एक बार कंफर्म करो. बताइए किशोर सर, जो टॉपिक अभी अपने लोग डिस्कस कर रहे, क्या वो क्लियर है? सारे लोगों को समझ में आया? हाँ के ना? पक्का. खुशी जी ने इसका एक और एग्जांपल मांगा था, तो खुशी जी फॉलो करिए. हमने ऐसे लिखा, आई विल गो देयर इन केस यू विल कॉल मी. अब मैंने खुशी जी से बोला, मैं खुशी के घर तभी जाऊंगी जब खुशी मुझे इनवाइट करेंगे. बिना इनविटेशन के ऐसे ही थोड़ी ना हम जा सकते हैं, बताओ. तो यहाँ पे दोनों में से पहला एक्शन कौन है? खुशी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. इन दोनों सेंटेंस में पहला एक्शन कौन है?
पहले खुशी मुझे इनवाइट करेगी तब मैं जाऊंगी। तो जो फॉर्मर एक्शन होता है उसको अपने लोग कौन से टेंस में लिखते हैं बताइए? जो कोई भी फॉर्मर एक्शन होता है उसमें से विल को भगा देते हैं। तो बोलेंगे करेक्ट आंसर क्या? आई विल गो देयर इन केस यू कॉल मी। जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे मैं वहां नहीं जा सकती। इज इट क्लियर? यस बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नियर फ्यूचर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है एकदम। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट नंबर टू, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं एक चीज चेक कर लूं इसके बाद, हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग जरा देखिए इस टेबल को, एक स्क्रीनशॉट रख लो बेटा सारे लोग, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये जितने भी वर्ब्स है इनको अपने लोग बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। ये जितने भी वर्ब्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब कौन से वाले वर्ब है डियर? ये सारे के सारे स्टेटिव वर्ब्स है, राइट? अगर ये सब के सब स्टेटिव वर्ब है तो इनका बिल्कुल पटता नहीं है, बनता नहीं है किसके साथ? आईएनजी के साथ। तो आईएनजी के साथ ये सारे वर्ब्स बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे। सो व्हाट वी पीपल आर ट्राइंग टू से, whenever we talk about any kind of stative verb, we must not, right? We literally must not use continuous tense with it. Is this part clear? Chalo. To aap log bataiye, if I write down a sentence like this, I am seeing the screen. Am I correct if I say like this, I am seeing the screen? Bataiye. Nadeem sir, you please answer. I am seeing the screen. आप सारे लोगों को मेरा पीपीटी विजिबल है, राइट? मेरे बैकड्रॉप में पीपीटी आप सबको दिख रहा होगा। सो प्लीज टेल मी इफ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट। देखो बोलने को तो वी कैन से एनीथिंग, बोलने पे कभी टैक्स नहीं लगता। वी मेनी ऑफ अस डू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस बट समटाइम वी स्पीक रॉन्ग। यस नदीम सर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है, वेरी गुड नदीम। Of course, we are not supposed to put ing with it. That is the reason what we are going to say. I am seeing is wrong. It can either be I see or I saw or at most, humko word hi badalna padega. I am looking at the screen. Ekdam. Debashi sir, there is a minute difference between the term you are using, that is watching, and the term I am using, that is looking at. जब हम लोग स्क्रीन पे किसी पर्टिकुलर सेक्शन को फोकस करेंगे सो वी शुड बी कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट सेइंग लुकिंग। लेकिन अगर कोई वीडियो चल रहा है, कोई मूवी चल रहा है, देन वी कैन से वॉचिंग, है ना? वॉच का मतलब सी एंड रिलेट, लुक का मतलब होता है सी विथ फुल अटेंशन। इज इट क्लियर? चलो, बट इफ आई से सीइंग इज बिलीविंग, ऐसे अगर मैंने बोला होता तो here the term see is absolutely correct. Why so? Because it's no longer acting as a main verb. It's here acting as a gerund. तो मतलब non-finite form में ing allowed है. तो ये गया overall gist, right? अब आप लोग जरा notice कर लो इसी list में know no बोल के एक verb है, right? I have already asked you people to take a screenshot of this particular list. Have you people taken? Debashish, Nadeem, Khushi, यही लोग respond कर रहे हैं. बाकी लोग कहाँ चले गए? लक्ष्मी, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। सौरव, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। वाई इज इट सो? कृति, आप भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। किशोर सर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। क्या हो गया भाई? चलो सारे लोग रिस्पॉन्ड करो, देन द क्लास विल बी इंटरक्टिव, राइट? तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हियर कम्स द क्वेश्चन, प्लीज क्विकली सॉल्व दिस फोर क्वेश्चन फॉर मी, बी क्विक। ये चारों के चारों क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी लाइव चैट में फटाफट बताइए। फिर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आप लोग क्लास खत्म होने के बाद पब्लिक कमेंट में बताओगे, है ना? सेशन जब भी यूट्यूब का खत्म हो जाता है हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक कमेंट ओपन हो जाता है, वहां पे कमेंट करके आंसर्स देते हैं। तो वही रहेगा आज का भी होमवर्क। चलो फटाफट सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। लेट्स सी कौन सबसे पहले सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देते हैं। नदीम सर ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। नदीम सर, डू मेंशन द क्वेश्चन नंबर, अदरवाइज आई विल बी अ बिट कंफ्यूज, राइट? सो डू मेंशन द क्वेश्चन नंबर बिफोर योर आंसर।
खुशी सेम इंस्ट्रक्शन इज फॉर यू टू डू मेंशन योर क्वेश्चन नंबर्स. What about the rest of the people? I just can't understand why these 2 to 3 people are only responding today. What happened to the rest of you? सारे लोग कल मकर संक्रांति enjoy करके आज खा पी के एकदम सो गए, ऐसा है क्या? चलो okay, so let's start our discussion. The first thing that is said, I am knowing her since last year. So this is a stative verb. और हमने बोला क्या, stative verb and ing doesn't make any sense. So see, I'm writing it in a note format here. The first point I'm going to write here is, whenever you use a stative verb as your main verb, जब कभी भी आप sentence में किसको use करोगे, एक stative verb को use करोगे as a main verb, और उसके साथ आपने क्या use कर लिया dear, time expression. राइट, आपने क्या यूज किया, टाइम एक्सप्रेशन. सी हियर इज माय स्टेटिव वर्ब एंड हियर इज माय टाइम एक्सप्रेशन. सिंस लास्ट ईयर इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ टाइम एक्सप्रेशन. आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट द कंक्लूडिंग टेंस यू आर फॉलोइंग गोइंग टू फॉलो इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना. आप कौन सी वाली टेंस को फॉलो करोगे बताओ. You all are going to follow present perfect tense. Hence, this part is wrong. Instead of that, we'll have to write like this. I have known her. Is this part clear to all of you? The first question, the rectified version will be, I have known her. Since we people are only interested with present perfect tense, so the entire sentence will get converted into present perfect. Is this part done to? Okay, let's move on to the second sentence. Do we find any time expression in this particular sentence? No, na. The sentence is free from any short of time expression. So here we go for note number 2. Hamare sentence mein is baar stative verb hai. Lekin dekho time expression nahi hai. So aise situation mein what we are supposed to go for? We are supposed to go for simple tense, which can be either present as per the requirement of the sentence, sentence ko jaisa chahiye waisa present tense, ya to past. Yes or no? Is this part clear? Clear to all of you? Ek bar confirm kariye, yes or no? To aap log mujhe batao, is kaun se tense ko refer karta hai, boliye. I have been knowing her and she is my best friend. To ye is kisko refer karta hai beta? ये जो इज हमने बोला है ये इज किसको रेफर करेगा, प्रेजेंट को, है ना. तो अगर प्रेजेंट टेंस को रेफर करेगा तो इधर में अपने लोग सिंपल प्रेजेंट को यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, आई के एन ओ डब्ल्यू नो, है ना. आई हैव नोन के बदले अपने लोग क्या यूज करेंगे, आई नो हर एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. इज इट क्लियर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो नेक्स्ट पॉइंट. I know her. She used to be a very kind person. किसी person के गुजर जाने के बाद ऐसे sentences बोलते हैं ना हम लोग. कोई person अगर गुजर गया है उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसा बात करते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं उसके बारे में. तो बताइए used to क्या बता रहा है, past tense. इसीलिए यहाँ पे no के बदले क्या हो जाएगा, K N E W, new. Is it clear? Yes. अब थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं और इस थर्ड कैटेगरी के लिए आई नीड टू बी अवे फ्रॉम द स्क्रीन फॉर अ लिटिल वाइल, क्योंकि मैं अगर स्क्रीन पे रहूंगी तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं, राइट, एक्सप्लेनेशन दिखेगा नहीं. तो बेटर है ना, एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी है. तो उसको रखते हैं और मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ. तो देखो अगर हमारे सेंटेंस में इस बार एक नॉर्मल सा वर्ब है ना, दैट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी स्टेटिव वर्ब, वी आर सिंपली गोइंग फॉर अ नॉर्मल वर्ब along with time expression. है ना? तो अपने लोग क्या यूज करेंगे बेटा, देन वी पीपल आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो अपने लोग क्या यूज करेंगे बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्या यहां तक सबको समझ में आया,
हाँ कि ना, जल्दी जल्दी बताओ, इज दिस पार्ट नोन टू ऑल ऑफ यू? इज इट अंडरस्टैंडेबल टू यू पीपल? राइट, तो इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते, अरे अरे कहाँ भाग रहे हो भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और इसको रेक्टिफाई करते हुए क्या बोलेंगे बताओ? आई हैव वर्कड नहीं होगा, ये वर्कड हमारा एक नॉर्मल सा वर्ब है, मतलब नॉन स्टेटिव, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वर्किंग, ऐसे बोलेंगे ना, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार येस नो में कंफर्म करो. इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रादर वी कैन से. क्या ये पॉइंट क्लियर है? नदीम सर ने कंफर्मेशन दे दिया है. अब बढ़ते हैं आगे, एंड हियर वी गो. अब बात कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. तो क्या बोला जा रहा है? द प्रेजेंट परफेक्ट शुड नॉट बी यूज विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम. अब लिखा हमने यहाँ पे ऐसे, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, इसी को शॉर्ट में बोला तो एओपीटी बोलेंगे, है कि नहीं? सो व्हेन वी पीपल आर यूजिंग एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, उसी का शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग बोलेंगे, सो इट्स एओपीटी, राइट? सो हमने कैसे बोला यहाँ पे, यस्टरडे कैन बी एओपीटी, लास्ट ईयर कैन बी एओपीटी, previous week can be AOPT, है ना? तो yesterday, last year, previous week जैसे past के समय को AOPT बोलेंगे, और AOPT के साथ present perfect दिख जाए तो उसको काट देंगे, simple past दिखे तो उसको सही मार्क करेंगे. मतलब एओपीटी का हक बस सिंपल पास्ट पे है, वो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट किसी को रेफर नहीं करेगा, राइट? तो देखो वही चीज तो लिखा है, द प्रेजेंट परफेक्ट शुड नॉट बी यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, इन सच केसेस सिंपल पास्ट शुड बी यूज्ड. अब सेंटेंस में आते हैं, ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट लास्ट वीक. तो बताइए यहाँ पे AOPT है क्या? Yes है ना, last week past का समय. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, has completed ना बोल के सिर्फ completed, क्योंकि अपने को तो भाई V2 चाहिए, है कि नहीं? Last week के साथ अपने को कौन चाहिए था बेटा, V2 चाहिए था. That is the reason we will go for he completed his assignment instead of he has completed. Can this portion be understandable to all of you? क्या ये portion clear है, सबको समझ में आया? हाँ के ना बताओ, जल्दी जल्दी yes or no में confirm करके बताओ. यहां तक clear है ना सबका? चल अब इसके बाद हम लोग आ गए कहा, simple past में. आपको लग रहा होगा कि मैडम आपने तो past present perfect continuous पढ़ाया ही नहीं. ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने पढ़ाया आपको. देखो अगर हम लोग पुराने वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पढ़ाया ना मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम लोग नोट में ऐसे लिख ही सकते हैं. यहाँ पे एक छोटू सा नोट लिख लिया और बोल दिया यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस only when there is time expression in the sentence. जब sentence में time expression होगा तभी इसको use करेंगे, else not. ठीक है, चल अब आ गए सिंपल पास्ट में. फॉर हैबिट्स इन द पास्ट, तो ये हैबिट वाला पॉइंट तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि हैबिट भाई हमारे दो तरीके के होते हैं, गुड हैबिट
जिनको बोलते हैं अपने लोग नॉर्मल, जो कि यूज होते हैं सिंपल में। अब सिंपल है तो पास्ट भी हो सकता है और सिंपल है तो प्रेजेंट भी हो सकता है, राइट? तो आप लोग बताओ, गुड के अलावा कौन सा हैबिट है बैड, जिसका नाम है कंपल्सिव, राइट? कंपल्सिव, तो उसको अपने लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे और ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज हो सकता है ना? ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, इट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट टेंस। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे अच्छे वाले हैबिट का बात कर रहे हैं, सिंपल वाले, गुड हैबिट्स का बात कर रहे हैं। तो बताओ, घूमने जाना इज अ गुड थिंग, है ना? हर साल अगर हम नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, है कि नहीं? घूमने जाना को कभी कोई गलत बोलते हैं क्या? नहीं। लेकिन कोरोना काल में घूमने जाना और कोरोना लेके और ज्यादा स्प्रेड करना, ये गलत बात है ना? आप घूमो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, राइट? फिर पॉइंट नंबर टू में देखो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर एक्सप्रेशंस लाइक इट इज टाइम। तो मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेजेस का बात कर रहे हैं, है ना? अभी अपने लोग सेंटेंस में किसके बारे में बात करेंगे बेटा? टाइम फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन से टाइम फ्रेजेस है? तो हमने एक कॉलम बनाया ऐसे टाइम फ्रेजेस बोल के, और दूसरा कॉलम बनाया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बोल के, ठीक है? पहला कॉलम में अपने लोगों ने क्या लिखा? टाइम फ्रेजेस। दूसरे कॉलम में हम लोगों ने क्या लिखा? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हमने पहला सेंटेंस लिखा, मैंने बोला समय हो गया है स्टार्ट करने का, इट इज टाइम टू स्टार्ट, ऐसे बोलेंगे ना कि समय हो गया है भाई, शुरू कर दो, स्टार्ट करने का समय हो गया, इट इज टाइम टू स्टार्ट। तो आप खुद ही नोटिस करो, दिस इज द पार्ट दैट इज इंडिकेटिंग द फ्रेज and this is the section that is indicating the verb, verb in its infinitive form. So what can I say? There are various time phrases, namely it is time, it is high time, after that it is about time, or at least we can say like this, it is the right time. Is it clear? It is time, it is high time, it is about time, and the last one is it is the right time. Fine. ऑप्शन नंबर ए क्या लिखेंगे? अगर इनके इमीडिएट नेक्स्ट में वर्ब आ जाता है, कोई भी टाइम फ्रेज अगर अपने इमीडिएट नेक्स्ट में वर्ब को लेता है तो वर्ब विल बी इन इट्स 2+V1 फॉर्म। अब मान लीजिए हमने क्या किया, इट इज टाइम ही। अब बताओ, ही के बगल में भी टू स्टार्ट लिखेंगे? किसी एक पर्सन के लिए समय हो गया है काम को शुरू करने का, तो क्या अपने लोग ऐसे लिखेंगे इट इज टाइम ही टू स्टार्ट? बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे? इट इज टाइम ही स्टार्टेड। तो बस यहीं पे बन गया हमारा एक्सप्लेनेशन, क्या बना देख लो खुद ही। यहां से यहां तक फ्रेज, ये वाला हो गया सब्जेक्ट और ये वाला सेक्शन हो गया वर्ब। तो हमने क्या देखा कि बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आए, तो वर्ब अपने V2 फॉर्म में आएगा, है ना? बीच में सब्जेक्ट और उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब विल बी इन इट्स विच फॉर्म बेटा? V2 फॉर्म। इज इट क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी।
अब हमने बोला इट इज टाइम, फॉर क्या, फॉर हिम टू स्टार्ट, फिर से दोबारा कुछ भी स्टार्ट करने का समय हुआ हो। तो यहां पे हमारा रूल क्या बना कि अगर बीच में फॉर आ जाए तो उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अगर वर्ब आए तो वर्ब फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म टू प्लस वी वन में आएगा। सो याद रखने को, इसको याद रखो, ऑप्शन नंबर बी को याद रखो, कैसे कि जब कभी भी मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ, देखो हम लोग कैसे याद रखेंगे, जब कभी भी बीच में सब्जेक्ट आ जाए, टाइम एक्सप्रेशन और वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ जाए, तभी वी टू आएगा, एल्स हर एक सिचुएशन में टू प्लस वी वन आएगा। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं, सारे लोगों को समझ में आया? जितने लोग लाइव हो, क्या सबने लाइक किया है सेशन को? नहीं किया है तो फटाफट अपने क्लास के ग्रुप्स के साथ या दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक बटन को जल्दी जल्दी हिट करिए। देख लो कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई भी डाउट है क्या? नहीं तो चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते, क्वेश्चन बनाओ। 30 सेकंड का टाइमर आपका ऑन हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ। जितना सिखा दिए हैं उसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो बी क्विक। टाइम अप, टाइम अप। करेक्ट आंसर क्या है? डांसर्स हैव देयर। अब आप खुद ही नोटिस करो, इट्स नोटिसेबल प्रिटी मच क्लियरली कि अर्लियर पास्ट का सेंस बताता है, लिव्ड पास्ट बताता है, ट्रेवल्ड पास्ट बताता है, गेव पास्ट बताता है। तो भाई इतने सारे पास्ट के बीच में ये हैव अकेला क्या कर रहा है? इट विल गेट कन्वर्टेड टू हैड। समझे? इतने सारे पास्ट के बीच में ये हैव अकेला बेचारा परेशान हो रहा है, तो उसको रिहाई दे दो, उसको हैड में कन्वर्ट कर दो। समझे? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बी क्विक। फटाफट सॉल्व करके बताओ। टाइम आप, क्या होगा करेक्ट आंसर? चलो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर देख लिया जाए। इट इज टर्न्ड नहीं, इट हैज टर्न्ड। अब देखो, अगर आप हैज के बगल में V3 लिख रहे हो या हैव के बगल में V3 या तो हैड के बगल में V3, बेटा इसको बोलते हैं एक्टिव। लेकिन किसी भी बी वर्ब के बगल में अगर आप V3 लिखते हो तो ये बन जाता है पैसिव। तो क्या आपके सेंटेंस को पैसिव में लिखना था? हाँ कि ना? दिस इज टर्न्ड आउट टू बी, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा सब्जेक्ट दिस है और दिस अल्टीमेटली रिजल्ट किया है, तो पैसिव नहीं चाहिए था अपने को, यहां पे एक्टिव चाहिए था। इसीलिए इस को काट के हम लोगों ने क्या बना दिया, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। जब भी आपको वन ऑफ दिखे, एक बार जरूर क्विक रिव्यू कर ले कि वन ऑफ के बाद अगर कभी डिग्री आता है तो वो सुपरलेटिव। उसी तरीके से वन ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट प्लूरल। और उसी वन ऑफ के बाद अगर वर्ब आता है तो वो वर्ब होता है इन जनरल सिंगुलर।
इज दिस पार्ट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस ऑर नो? यहां तक आई गेस सबको समझ में आ गया, राइट? चलिए आगे बढ़े. श्योर. क्वेश्चन नंबर थ्री फटाफट सॉल्व करके बताए. क्वेश्चन नंबर थ्री को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ. जल्दी जल्दी, प्लीज पार्डन द डिस्टर्बेंसेस. ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी बताओ. यस यस ऑफ कोर्स. ही इज गिवन नहीं होगा, फिर से एक्टिव. ही हैज गिवन. Yes or no? Next उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर फटाफट सॉल्व करके बताओ. क्या होगा? Since the trip home was expensive, they did not went. ये कब से होने लगा? Did के बाद went. क्या होगा? Did not go. Yes or no? Correct answer will be did not go. Is this part clear? Okay. चलो next. After that, पिछले क्लासेस के हमारे जो 100 क्वेश्चन की सीरीज थे ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया था, है ना? और हम लोग धीरे धीरे क्या बोले थे, हर क्लास में 5, 10, 15 करके डिस्कस करेंगे. सो आज के क्वेश्चंस कौन से हैं? ये वाले पार्ट थ्री के या पार्ट फोर के क्वेश्चंस थे, है ना? आप सारे लोगों ने आंसर किया था, तो इसके आंसर्स जरा चेक कर लिए जाए. बताओ क्या इन क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक कर लिया जाए? हाँ के ना? तो चलिए एक टाइम देते हैं. कुछ लोग आज नए ज्वाइन किए हैं, जैसे कि खुशी मैडम, शायद हमारे प्रीवियस क्लास में नहीं थी, तो उनके लिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. 45 सेकंड का टाइमर रन हो चुका है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ. बी क्विक, एकदम क्विकली आंसर बताएं. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ड्यूरिंग द विजिट टू यूपी, है ना? ड्यूरिंग द विजिट टू यूपी द टीम वॉज सरप्राइज्ड, राइट? द टीम वॉज सरप्राइज्ड. फिर उसके बाद क्या? To know that all the addresses gave by Jaleem Singh. Gave होगा क्या? बिल्कुल नहीं. क्या होगा करेक्ट आंसर? Instead of gave, it will be given. देखो दिखने में कितना डरावना था, इतना बड़ा सा सेंटेंस था, है ना? लेकिन है कितना एकदम बच्चों वाला, राइट? दिखने में भले डरावना है, लेकिन है नहीं डियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट सॉल्व करके बताए. क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं. क्वेश्चन नंबर 22 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ बेटा. और सेशन को लाइक तो कर दो भाई, एक लाइक बटन में हिट करने में कितना समय लगता है. जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक बटन को हिट कर दीजिए जल्दी जल्दी. चलो रीड करना स्टार्ट करें.
द विक्टिम इजाज अहमद हु वर्क फॉर UNI ऑल्सो अक्यूज्ड द पुलिस ऑफ बीइंग इनडिफरेंट, है ना? तो आप लोग बताओ हु वर्क फॉर, ऐसे होगा नहीं ना, वो काम करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या होएगा? हु वर्क्स फॉर, आगे तो पढ़ने का ही जरूरत नहीं था, है कि नहीं? यस। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, 45 सेकंड नहीं, 30 सेकंड इज मोर देन एनाफ। क्वेश्चन नंबर 23, द ड्राइवर एंड कंडक्टर एडमिटेड टू हैविंग मिसबिहेव, है ना, but said that the argument was over the driver disgrace. Disgrace होगा कि disgracing, कौन सा करेक्ट आंसर है? Disgracing, this will be the correct answer. Digressing, sorry, my mistake. क्या लिखेंगे बताओ? Correct answer will be disgracing. From designated route, मतलब वो divulge हो जा रहा है, right? चलो next, after that 24, फटाफट 24 का answer बताओ, जल्दी जल्दी, quickly 24. Correct answer of 24 was, ये सारा का सारा question आप लोग के homework में दिया हुआ था, तो I don't believe कि आपको 45 second पूरा चाहिए, है ना? ये सारा का सारा homework हमारे प्रीवियस क्लासेस का है, तो आई बिलीव कि आप लोग फटाफट आंसर बता दोगे, जल्दी जल्दी बताओ। डिस्ट्रेसिंग, यस डिस्ट्रेसिंग कैन ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट नदीम सर, एब्सोल्यूटली नो एरर, क्वेश्चन नंबर 24 इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, नो एरर। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 25? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ। द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कार वॉज नॉट क्लियर, देयरफॉर वी हैव सेंट द फुटेज टू ए फॉरेंसिक लैब टू गेट क्लियर पिक्चर ऑफ द कार रजिस्ट्रेशन नंबर, सेड मिस्टर कुमार। तो पूरा तो सही है भाई, करेक्ट तो है, यस ऑप्शन नंबर ई, बाकी सब पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। नो नदीम, दिस टाइम यू आर रॉन्ग, इट्स अगेन नो एरर, इट्स अगेन अ नो एरर सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा देखो, ही स्टॉप्ड अ स्कूटर दैट वाज कमिंग हिज वे एंड टुक द विक्टिम द हॉस्पिटल। भाई टुक के बाद तो टू होना चाहिए, टुक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, यस और नो? Took the victim to the hospital. This will be the correct answer, right? Chalo. Next question number 27. Jaldi jaldi try kare zara. Question number 27. Be quick. The enforcement directorate had registered a case. Ab batao. The enforcement directorate had registered a case against Chauhan after the CBI registered preliminary inquiry. To kaun se part mein error hai? Registered a preliminary inquiry na, ek inquiry registered hua hai, right? Next 28, correct answer will be, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर बताइए जरा जल्दी जल्दी, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का पढ़ते हैं। अ बेंच हेडेड बाय NGT चेयरपर्सन जस्टिस Swatantra Kumar asked these defaulting bodies to reply within 2 weeks as to why they should not be asked to pay environmental compensation of 5 lakh for failing properly manage. Failing to properly manage. Option number D is the correct answer. Got it?
नेक्स्ट 29 द करेक्ट आंसर विल बी, बताओ 29 करेक्ट आंसर विल बी लास्ट पार्ट, सिंस द कॉरेस्पॉन्डिंग डेज, नहीं फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग डेज, लॉजिक सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताता है ना, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताता है और फॉर क्या करता है, टोटल लेंथ बताता है, यस और नो, सिंस क्या बताता है डियर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर बताता है टोटल लेंथ, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग डेज बोले हैं, लेंथ का बात किए हैं, तो इट विल बी लाइक दैट। एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30, what is the correct answer, please tell me, question number 30, the correct answer will be following chief minister yogi adityanath's direction the authority has prepared a roster of sick and delayed projects and started a crackdown with developers who have failed to finish their housing projects। तो क्रैक डाउन विथ, ये वाला जो है विथ डेवलपर्स या क्रैक डाउन ऑन डेवलपर्स, विथ होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऑन, क्रैक डाउन ऑन होता है ना। सो हियर वी एंड आवर सेशन, कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन इंग्लिश महिंद्रास लाइव या तो श्राया महिंद्रास, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डिस्कस योर क्वेरी, राइट। चलो तो आज का सेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे समाप्त, नेक्स्ट क्लास में टेंस के पार्ट 3 के साथ वी विल इनिशिएट द सेशन।